वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल वॉच द लास्ट वीडियो। व्लॉग देखा होगा, व्लॉग देखा होगा तो आपको मतलब अंदाज़ा होगा यहाँ पे क्या चल रहा है। माहौल बना के यहाँ पे कहीं पे आके एक तरफ पानी एक तरफ पत्थर। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। बट बिफोर दैट इंट्रोड्यूसिंग आवर गेस्ट तो नहीं है, अपना दोस्त है ये। दोस्त है भाई भाई। ओके, सो दिस गाय, दिस इज गौरव फट्टे, ऑल्सो नोन एज GPA, एंड ही इज अ टीचर बाय प्रोफेशन, म्यूजिशियन बाय passion, musician by passion, also YouTuber. He has a YouTube channel called Soul Adventures, and wherein he puts all kind of videos. Yes, exactly. All kind of. मतलब genre नहीं है, एक particular genre नहीं है, सब मिलेगा, variety मिलेगी bro वहाँ पे, ठीक है? So this is a small gaunti podcast that we are shooting and with no professional setup. फिर भी ये जो shoot हो रहा है ना, ये अपना दोस्त का camera है, वो वहाँ पे है, उससे shoot हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट एंड बिहाइंड द सीन्स वगैरह पूरा आपको व्लॉग में मिलेगा, वो वहाँ देख लेना। ही इज गौरव फट्टे, दिस इज हर्षित भंडारी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ द चैनल। सो स्टार्टिंग विद इट ब्रो, हु इज GPA? नॉट गौरव फट्टे, हु इज GPA? एज द यू नो सगळे भुरगेचे वळखता पळय, हु इज GPA? हिंदी कोंकणी कितें, कोंकणी हिंदी इंग्लिश ऑल सूट्स। सो पीपल नो मी एज GPA.goa और GPA। GPA इज गौरव फट्टे आर्मस्ट्रांग। ये नाम क्यों मैंने रखा, मेरे को सिंस आई वॉज स्मॉल बिग अट्रैक्शन टुवर्ड्स म्यूजिक। ओके, म्यूजिक मेरे दिल की एक ऐसी चीज़ है दैट हैज केप्ट मी अलाइव। सो एक बैंड था ग्रीन डे बोल के, ओके, सो द लीड सिंगर्स नेम इज बिली जो आर्मस्ट्रांग, विच इज़ वाई माई सरनेम इन द एंड इज आर्मस्ट्रांग, गौरव फट्टे आर्मस्ट्रांग, विच इज GPA। वन ऑफ माई फ्रेंड्स व्हेन आई स्टार्टेड ANM, so which is my page, and that's I started posting on it, so I needed an acronym. So my friend Tendi Sangle, he said ki baba GPA rakhle, so it remained since 2010. It's been there, and you know, there are some things that you can change as you grow up, but this is something I don't want to change. You don't want to change. Yeah, I like it. People know me as GPA, and most of the people that know me don't even know my name is Gaurav. Yeah, actually, that is for a fact. They just know it's GPA. That is for a fact. So yes, that's how the GPA came about, and it's still there. 11 years and counting. 11 years, dude. Okay, and there are some of the stories that he told me about himself, which will blow your mind, bro. Oh, मतलब आप विश्वास ही नहीं करोगे. Because a person like him, okay, wherein a lot of people know him and he does not use it. Yes. तो ती म्हाका सांगले पळय 2012 सोड आपूण येत करू ना म्हणून वॉट्सॅपाचेरूच ना म्हणून. ओके ब्रो, ही इज नॉट देर ऑन वॉट्सॅप यूजूच करना तो. वील कम टू दॅट इन अ वाईल, बट अ सेकंड क्वेश्चन, हाऊ डीड म्युझिक एंटर युअर लाईफ? म्युझिक बेसिकली सेव्ड माय लाईफ, अँड दॅट्स द रीझन इट्स व्हेरी क्लोज टू मी. ऑल्सो आय थिंक दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक. यू नो, इट्स पीपल थिंक म्यूजिक इज सिर्फ गाने सुनना फॉर टाइम पास, फॉर टाइम पास, बट म्यूजिक इज नॉट जस्ट सॉन्ग्स दिस दैट, म्यूजिक इज ऑल्सो द साउंड ऑफ द वॉटर दैट्स हियर, साउंड ऑफ द विंड, एंड दैट्स फॉर मी दैट्स म्यूजिक. एवरीथिंग इन नेचर इज म्यूजिक, एंड इट ऑल कम्स आउट ऑफ म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक इज वाइब्रेशन, एंड एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ वाइब्रेशन. सो बिकॉज इफ यू नो, इवन अ डेफ कैन डांस बिकॉज ही फील्स द वाइब्रेशन ऑफ द म्यूजिक. सो समझ लेना, ग्रेटेस्ट कंपोजर एवर मोजार्ट, बीथोवन सॉरी, वाज डेफ. सो क्या ही बोलूं, वी हैव ऑल द एक्सक्यूज इन द वर्ल्ड, बट देन देयर आर दीज पीपल हु यू नो डू समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी व्हाटएवर दे हैव. या विद व्हाटएवर दैट दे हैव, इट्स देयर इज सेइंग, यू नो, इवन व्हेन आई स्टार्टेड माय YouTube जर्नी एंड एवरीथिंग, आई थॉट गेटिंग बेटर इक्विपमेंट वाज एवरीथिंग, बट देन आई रियलाइज्ड इट्स एवरीथिंग दैट यू कैन डू विद व्हाट यू हैव. Bro, what you have is all you need, hands down is all you need. Because I remember starting my YouTube channel with my smartphone, that was a 5,000 rupees. Exactly, that's and all I had goes. That's all I had, and now all this. Exactly, you progress, it's all about progress in life. And if you know makasha ista ki tuka starting a sagay me no, then you don't grow and you don't know how to use yeah. it at all. The pointless other thing. It will be pointless, just pointless. Imagine you don't know how to produce music or do anything, and you have all the equipment. What will you do with it, right? It will just tu don this kartalo, imagine karto, you will be like kya itla ghetla, ani apli growth ut kay jayna. Exactly. You will be like padgar sod siding gar like that. Now maka literally I know the worth of a tripod, I know the worth of a good camera, I know the worth of a good microphone. Once you start doing it, even and one more thing, you are self-taught. Yes, he's a self-taught musician. So tell us something about that. Well,
म्यूजिक आई यूज टू लिसन टू इट अ लॉट, बहुत सुनता था म्यूजिक. फिर एक दिन मेरा फ्रेंड ने बोला यार, वो गिटारिस्ट है सो उसको कोई बेस गिटार बजाने वाला चाहिए था, तो वो बोला भाई तू ले ले. सो आई ठीक है भाई ले लूंगा मैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्ले. आई एम अ मेटल म्यूजिशियन, इफ यू सी दिस टी शर्ट ऑल्सो, इट्स अ मेटल बैंड एंड लॉट ऑफ हैवी म्यूजिक दैट रियली इंस्पायर्ड मी एंड मेड मी द पर्सन आई एम. आई एम वेरी थैंकफुल टू म्यूजिक फ्रॉम द बिगिनिंग. सो मेरे को बजाना था, सो उसने बोला ले ले, एंड देन ही सेड यू कैन लर्न बाय योरसेल्फ, यूट्यूब वीडियोस इज दैट. सो वन इंस्ट्रूमेंट, देन मेरे को जॉब लगा, आई बिकेम अ टीचर. सो सम अमाउंट ऑफ मनी सेविंग कर करके इंस्ट्रूमेंट आफ्टर इंस्ट्रूमेंट आफ्टर इंस्ट्रूमेंट, सिट एट होम, स्पेंड टाइम, क्राई, बैंग इट, धाड़े बड़े, एवरीथिंग, बट यस इट्स ऑल माइन. इन द एंड आई कैन से आई हैव डन इट माई सेल्फ, यू नो, बिकॉज वन थिंग आई फील, इफ दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, it's my understanding of the way music works. If you learn music from someone else, of course you can take advice, no doubt. You have to take advice, you have to jam with other people. But if you learn music on your own, you can make your own music. If you learn from someone else, what you do is you kind of become a second copy, third copy, fourth copy. Right. You know, the first person who ever learned the guitar, kaise padha hoga usne, kya kiya hoga usne? He must have sat with the guitar, better rahega. Ek do, bajate, 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 kuch to acha nikla hoga, right? So, agar aap किसी और की कॉपी कर रहे हो तो आप उसका सॉन्ग बजा रहे हो, आपके अंदर जो म्यूजिक है वो बाहर नहीं आएगा. वो बाहर निकालने के लिए अपने आप से सीखो. लाइक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन टेकिंग इंस्पिरेशन. यस, टेकिंग इंस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट, कॉपिंग इज नॉट. 100% ओके, कॉपिंग इज नॉट, टेकिंग इंस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट. एंड ही आल्सो माइट हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. एब्सोल्युटली, आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल. व्लॉगिंग ऐसे, मतलब रात को उठा, सुबह सपना नहीं आ रहा मेरे को व्लॉगिंग करना, किसी को देखा तभी तो मेरे को वो इट केम फ्रॉम इनसाइड कि ओके आई आल्सो नीड टू डू समथिंग लाइक दिस, आई वांट टू डू दिस बिकॉज it makes me happy. Yes, it's because creative, that is what important process. Right, yes. It is, that is, you know, mere ko editing nahi aati thi bro, mere ko, I was not into this. If my friend knows me, I was into sports, that's all. It is just a transition that happens in your life. Yes, when incidents data magi to you happen over there. One more thing, this conversation is going anywhere. Yes, koi hoye tha ek ek question etle monatle te itartalo baki ka, it is just us talking. Yeah. So the next thing, okay, how has the journey been till now? Once people started recognizing you as GP, there have been ups, there have been downs. Yes, tell us something about that. Well, once people started recognizing me as GPA, my shot to fame was ANM, my page. Mm-hmm. And 2012, 13, 14, 15, 16, till 16, it was like the booming period of life. Basically, almost, I'm not boasting, but basically almost everyone in Goa at that time used to follow the page and used to, you know, look at the things that we do. And because we had a number, we used to organize a lot of drives, cleanup drives, social drives, you know, feeding the homeless, this, that, a lot of things basically. So that fame was there, it was incredible. Then I was also Gordino, FC Goa mascot. That went parallel to my ANM fame. Then I did a cleanup at the stadium, retweeted by Narendra Modi, all of that stuff. And it was basically taking me to the peak. And for me, fame is not something that I was chasing or looking for from the beginning. For me, it was all about making a difference. Because I knew if I have the number, if I can, you know, inspire people, motivate people to do something better, then that's all I wanted to do. And fame, I'm actually a very shy person, very extroverted, introvert kind of thing. And I like to keep to myself. But of course, if someone asks me question, if someone wants to have a conversation, main baat karunga. So at one point in time, it got so much that I felt as if, you know, the social media, all of this was influencing me too much. I didn't know who I was. Starts taking a toll on you. It starts taking a toll on you, right? So people take breaks for a month, for 2 months, and then they come back. I took a break for a year. Okay, 2017, one fine day, after posting for 5 years continuously on Facebook, etc., etc., I just woke up one day and said, Doom, I just need to go away from this. Took a break for 1 year. I really liked it. Took a break for another year. I did not come back at all. That is so good, man. Like, did not come back at all. So no WhatsApp, no Instagram, no Facebook for 2 years. And well, that has been truly the transition period of my life, I would say. Fame dipped down during that period. As I said before, fame doesn't really matter at that point in time. At least I found myself. Peace of mind is what matters at the end of the day. People think it's fame, lots of followers, money, this, that. I think in the end, if agar tum apne ko jo chahiye wo kar rahe ho na, then you are happy. Really happy.
That's all. That's really what I feel. That is what success basically means. Exactly. Okay. Exactly. That is what success basically means. Exactly. Like you can have all the money. Like there's this quote. Okay. Yeah. Maka lakh. Like I don't know how it makes sense to people and how do they find it cool to post about it. Crying in a Ferrari is better than laughing in your Innova. I mean, like. क्यों भाई हंस सकते हो एक छोटी गाड़ी में तो रोला कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी में व्हाई मतलब आई डोंट गेट द डिलेमा ऑफ पीपल लाइक ब्रो मैं मेरे ऑल्टो में खुश हूँ ब्रो चलता है अपने को ठीक है यू नो समथिंग वियर्ड आई थॉट अबाउट दिस वेरी कोट यस्टरडे जस्ट यस्टरडे ऑन द बाइक आई वाज गोइंग लाइक सडनली इट केम टू माय हेड लाइक आई रिमेंबर दैट ऑन फेसबुक समबडी यूज्ड टू पोस्ट rather than better to cry in a BMW than cry in a Maruti 800 bro if you're crying right yeah you're doesn't sad. Matter the place yeah exactly so it's not like rich people aren't sad people think it's the problem is kya hota hai malum hai social media is very narcissistic it's self-centered sometimes not sometimes actually all the time most of the time is you take 100 pictures konsa post karoge कौन सा पोस्ट करोगे द वन दैट लुक्स द बेस्ट एंड विद ऑल द 100 फिल्टर्स दैट यू हैव एग्जैक्टली यू ट्राई टू मेक योरसेल्फ लुक द बेस्ट एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग पीपल आर गेटिंग दिस फेक इमेज ऑफ हैप्पीनेस दैट इफ यू ट्रैवल इफ यू हैव मनी इफ यू स्पेंड टाइम एट सो एंड सो प्लेस पीपल फील दैट ओके यू विल बी हैप्पी बट इट्स नॉट दैट वे दीस गाइज हु आर पोस्टिंग ट्रस्ट मी दे आर एज हैप्पी एज एनीबडी एल्स ओके इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस योर मटीरियल पोजेशंस मेक एब्सोल्युटली नो डिफरेंस इफ यू आर हैप्पी विद व्हाट यू हैव I think you're good. बाहर का कितना भी खाना खा ले इधर से उधर से इन दी एंड सच्चे खाने की मजा घर पे घर के खाने से बांगड़ाची कड़ी शीत डाले पूरो आणि काय इतना का भाऊ डाले वी वर ऑन सोशल मीडिया सो फ्रॉम दैट एंड दिस इज देयर इज नो क्वेश्चन इन दिस अबाउट दिस थिंग इट जस्ट केम आउट व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट लाइक आताचे वी आर लाइक 18-19 लोक आहा दे टर्म देमसेल्व्स एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल दे वांट इज फॉलोअर्स 30k followers, 40k followers, 20k followers. Yeah. What do you think the impact is that on a normal child who is like who is 18, who is just started using Instagram and looking at all these people doing of this age, but let them touch it now. But they show it like yes, that. Correct, and correct. It somewhere or the other influences that child, 18-year-old child. Hmm. What do you have to say about that? इसके बारे में मेरे दो टाइप के थॉट्स हैं इफ अ 18 ईयर ओल्ड इज वाचिंग या इफ अ 18 ईयर ओल्ड इज अबाउट दिस आई हैव टू काइंड ऑफ थॉट्स ओके फर्स्ट वन यूज्ड टू बी लाइक आई यूज्ड टू थिंक दिस दैट दिस इज बैड बिकॉज इट्स इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन अ रॉन्ग वे उनको बोल रहा है शोइंग देम अ लाइफ व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट ओके टेलिंग देम यू नीड अ बिग बाइक यू नीड अ बिग फोन आईफोन यू नीड अ DSLR यू नीड दिस दैट टू बी हैप्पी आई यूज्ड टू थिंक दैट बट एट वन पॉइंट इन टाइम आई रियलाइज दैट You see, everybody has a certain journey to take in their lives, okay? You can't really influence someone unless they really want to learn from you. So, I feel, now, this is for any 18-year-old watching, if you feel that, okay, whatever he's saying is right or wrong, and if you feel you're being wrongly influenced by people or something like that, don't worry about anything. This is just a phase in life. It will pass. The knowledge that is supposed to come to you will somehow come to you anyways. So you don't have to worry about anything. Just chill out, relax. That's all I have to say about this. Everybody has a certain journey in life. They will reach a certain point where they are influenced by so many outside factors. And then from that point on, they will have a transformation and they will change. Or might not change for the good of it. Whatever way, wherever your life will take you, that's exactly where you are supposed to be. Right now, where I am, where you are, where he is, That's exactly where we are supposed to be. And right now in this place, this is where we were supposed to be here. You know, through the cosmic chaos of the universe and all these planets and black holes colliding and nebulas happening and whatnot. It is what it is. Full gyan aa raha hai. Boom, 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 boom. It is too much for me to handle, bro. This is coming like boom, boom. Ek, 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 padha sa. Okay. The same question. To a person who is in that phase, like who posts about this thing, sage post karta, and he is not internally happy about this, but he has to do it because he has a social standing on Correct. Basically Instagram. Yeah. So and he is not in. Take a minute. He is like sad, like everything is drifting apart, but still he has to post to make people look he's happy. Correct. A message to a person like that watching, like what do you have to say to him? Yeah. My message to this particular influencer would be.
don't burn yourself out for the sake of other people. Of course, there are some people who earn through Instagram. Yeah. That's their daily livelihood. Now, can I say, nahi, ye paisa haram ka hai, tu aisa nahi kar sakta? I can't, right? किसी के पेट पे कभी लात नहीं मारते। Exactly. अगर किसी को उससे खाना मिलता है, किसी का दिन चलता है, तो उसको करने दो। So I would say, भाई तुमको करना है, करो। अगर तुमको सच्ची हैप्पीनेस चाहिए ना, दिल के अंदर देखो। ऐसे बोलते हैं, there's a quote by this psychologist. He says, his name is Carl Jung. He says that he who looks outside dreams, he who looks inside awakens. He who looks outside dreams, he who looks inside awakens. तो अगर आपको जागना है ना, इफ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस व्हाट रियल लाइफ द रियल लाइफ इज नॉट द रियल लाइफ द रियल लाइफ सो सब कुछ कैमरा के एंगल से अगर आपको देखना है यस आई रियली कांट से दिस टू पीपल दैट यू शुड नॉट डू इट बिकॉज एवरीबॉडी हैज अ सर्टन वे ऑफ लाइफ सो अगर आपको ये पसंद है भाई करो आप खुश हो करो अगर आप खुश नहीं हो तो दिल के अंदर देखो आस्क योरसेल्फ व्हाई आर यू डूइंग दिस एग्जैक्टली इज देयर एनीथिंग बेटर व्हिच यू कैन डू व्हेन यू विल बी हैप्पी भले ही आपको कम मिले लेकिन आप खुश हो यस दैट इज अ मैसेज दैट वी आर ट्राइंग टू डिपिक्ट यस एंड अनेक क्वेश्चन येलो बोलतो गेलो असो येलो तो टाकलो आणि गेलो म्हटला म्हणजे सुंब करून गेलो ओके सो जब आएगा तब बोलूंगा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द पेपर ओके हैव यू गॉन थ्रू अ फेज वेर इन यू फेल्ट लाइक एवरीथिंग वॉज फॉलिंग अपार्ट लाइक यू लिटरली ब्रोक डाउन यू टोल्ड अस अबाउट द फेज वेन यू लिटरली शट डाउन सोशल मीडिया अपार्ट फ्रॉम दैट असो वॉज देर एनीथिंग लाइक यू फेल्ट लाइक यू कांट इवन टेल इट टू अ फ्रेंड एंड यू आर जस्ट डाइंग इनसाइड लाइक आई होप यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली या एनीथिंग अबाउट दैट बिकॉज अ लॉट ऑफ यायजिन जातात ते 20 22 इवन 24 जातात ते आई एम 24 एंड आई हैव बीन थ्रू दैट टाइम ही हैज ऑल्सो बीन थ्रू दैट टाइम सो या In modern terms, we call it depression, yeah. mental health, all these anxiety. Topics, anxiety, everything that you want to talk about, right? This has happened to me many times, okay? In fact, just about a month ago, I would say. In fact, maybe even a week ago. There are days when I just feel, man, what am I even doing? I should just quit, leave, finish it off, burn all my instruments and get done with it, okay? Khatam, sab kuch khatam. Why am I doing anything at all? Why exist in the first place if we are just going to die? If everything we love will be taken away from us and that's how it's going to be. First time life mein aisa hua mereko when I was in 2014-15, had a very bad breakup. First proper relationship, very bad breakup. Aur wo chhod ke gayi mereko. So you can imagine boys ko kya hoga. Are baap re baap, pura. Ek 2-3 years continuous crying, okay? And people usually don't say this, and I don't blame her, by the way. I don't blame her. It happens for a reason. Everything happens for a reason. Very thankful for the relationship that was there. I did cry for 3 years. It was very bad. Almost every night I used to sit and cry and think about things. I feel you, bro. Yeah. I feel you, bro. So, I feel now that I look back at it, here's the interesting part. Now that I look back at that phase in my life, I believe that it has made me stronger. I believe that I have come out a better person, learned so many things from that phase. And because I was in this particular stress situation, you know how we say, agar koshyak zar ghasun ghasun, under pressure, it becomes a diamond, right? Exactly. So, of course, under too much pressure, it can just disintegrate. But under a certain amount of pressure, it will turn into a diamond. So, that was my first sort of depression phase, I would call it. I don't really want to call it that. It's because not depression. Depression is a very big word. Yeah, it's a very big word to say. It was, I mean, whatever you want to think of. It was a phase. Yeah. You get the point, right? So, that just transformed him as a person that he is today. Yes. So, after that, I've been having it many times. There are times when I feel, why do I, like, just, sometimes I come online on Instagram after 3-4 months, I post something, then I think to myself, why did I even come online at all? Just go away. There are times when I just want to go to the Himalayas and meditate for the rest of my life. But ek obligation hai mera, mere family ke taraf, mere mummy ke taraf. Unka sapna hai ki baba, hamara kabhi ek chota sa ghar ho. Mere bachche jo usko mummy ko khilane mile. So I can't really wake up tomorrow and say, baba, main Himalayas ja raha hu, I'm retiring. That is some next level thing that has to strike to your head. Yes, correct. Oh, whoa. वो बाद में करूँगा मैं नो डाउट बाद में कम टू दैट या सो ऐसा है एंड देन एक वन थिंग
for anxiety, if I could give an advice, this is for people who have anxiety. Anxiety as in when you go out into the, you know, real world and you face people. And you see, kabhi kabhi aisa lagta hai, why is that guy staring at me? Like, did I do something wrong? You know, you just feel, and you're going on the road and somebody just looking at you like this. And you wonder, are, what did I do wrong? And you start shivering from inside, right? And it happens to me also. Happens to me all the time, okay? There's one thing, one dialogue, it's very funny dialogue that I learned. It says, आओ दे जा रीना ना सारे सारे के डू आई ओ एनीथिंग टू दैट पर्सन वो मेरे को खाने को डालेगा नहीं मम्मी डैडी डालेंगे करेक्ट वो मेरे को पोस्तलो तो दुका ना तू दे जा रीना ना सा ना व्हाई यू हैव टू बी स्कैर्ड पीपल विल लुक इमेजिन योरसेल्फ इन द क्राउड यू लुक एट सो मेनी पीपल राइट एग्जैक्टली सो दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग दे आर जस्ट लुकिंग एट पीपल दैट्स इट ही कांट टच यू ही कांट हर्ट यू ही कांट डू एनीथिंग हूएवर दैट पर्सन इज दे कांट डू एनीथिंग टू यू Probably so he's not even thinking about you. He's not even thinking. भाई जिंदगी में इतने वांधे पड़े हैं किसको टाइम है तेरी जिंदगी में जाके देखने का किसी को नहीं ब्रो जिंदगी पहले फटी पड़ी है सबकी तो सबकी जिंदगी झंड है भाई वो तेरे बारे में क्यों सोचेगा भाई क्यों ही एंड देयर इज वन मोर थिंग हिंदी कोड लोग क्या कहेंगे अमित चित्ता हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे ये सोचो अगर हम सोचने लगे कि लोग क्या सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे अगर उनका भी काम आप करने लगे कि लोग क्या सोचेंगे तो लोग क्या ही सोचेंगे भाई ओके एग्जैक्टली बाहर गेलो ऑफ टॉपिक गेलो ऑफ टॉपिक गेलो नो बट दैट्स करेक्ट दैट्स करेक्ट सो दैट्स वन थिंग दैट रियली हेल्प्स मी इवन ऑन लाइक समटाइम्स आई एम आउट फेसिंग पीपल इवन इन रियल लाइफ जस्ट यस्टरडे डे बिफोर मेनी टाइम्स आई फील ah मैन आई एम इन अ सिचुएशन वेयर आई एम लोअर देन देम दे आर समथिंग हायर एंड यू नो दे आर डोमिनेटिंग ओवर मी देन आई जस्ट थिंक यार इवन इफ आई एम दिस स्मॉल नो इवन इफ आई एम दिस स्मॉल आई एम स्टिल अलाइव एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट एंड आई डोंट ओव एनीथिंग टू एनी वन दैट्स वन थिंग इफ यू कीप ट्रू टू योर सेल्फ That's one thing you can say. Of course, if you all load no, up, that but, is a different thing. So, what you look, देखो, वो तेरा काम है. Okay. Nothing on that. So yeah, but if you really want to tackle this anxiety, every time somebody you have this anxiety attack, just think, do I owe anything to anyone? Just try to think it. First few times, you will again go back into anxiety, but after that, it kind of eases out. Even for me, it's not eased out over the last 1 year, but now slowly after this new year, you know. A lot of things that I've been trying myself as well. So, wo help kar raha hai mere ko to be a better person, to, you know, keep improving every day. And it is a never-ending process. Never-ending process. Agar aapko lagega ki, if I get spiritual in things, everything will go. No, bro. ये जिंदगी है ऐसे नहीं छोड़ने वाली जब तक मरोगे कब्र में जाओगे नहीं तब तक प्रॉब्लम्स आएंगी दैट इज फॉर श्योर ब्रो यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ दिस लाइफ वी आर ऑल इन दिस टुगेदर गेट दैट वी आर ऑल इन दिस टुगेदर इन टुगेदर ब्रो टुगेदर ये जाने वाले नहीं है जस्ट दैट एज यू ग्रो यू विल लर्न टू आता आमचे पेरेंट्सक पे लाइक ब्रो दे आर डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब टू फीड देयर फैमिली दे आर नॉट थिंकिंग वॉट अदर पीपल विल थिंक अबाउट इट बिकॉज स्वीपर इज स्वीपिंग ही डज नॉट थिंक वॉट पीपल विल थिंक बिकॉज ही हैज स्टमक्स टू फीड एट होम वो नहीं सोचता आप क्यों सोच रहे हो एग्जैक्ट एक मेरे को हर्षिशा ने एक बात की मेरे को एक मम्मी की कोट याद आई मेरे तो क्या हुआ उस दिन मैं काम से बहुत फ्रस्ट्रेटेड था घर पर आया और एकदम ऐसा दिमाग खराब हुआ मेरा मैं बोला मम्मी को दिन भर काम करना पड़ता है आके सोता हूँ मैं फिर शाम को ये वो शाम को भी काम फिर सोने का सुबह उठ के 6 बजे जाने का मेरे को मम्मी बोली मम्मी सॉ मी फॉर दैट टाइम शी न्यू एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड शी शुड नॉट से एनीथिंग शी नोज ओके सो आफ्टर सम वेरी क्लोज टू योर मॉम यू वेरी क्लोज टू माई मॉम एंड डैड एंड माई एंटायर फैमिली बेसिकली मॉम डैड सिस्टर डॉग्स दैट्स माई फैमिली डॉग की स्टोरी भी पता होगा सो मम्मी बोली क्या हुआ तेरे को मैं बोला नहीं काम से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ सैलरी पहुँचती नहीं मम्मी बोली मेरे को तेरे को क्या लगता है तेरे को अगर 1 लाख की सैलरी तू हैप्पी रहता था अभी तेरी कितनी है सपोज 40 इट इज़ ओके तू हैप्पी है अभी पहले कितनी थी फर्स्ट ईयर 25 थी बाद में 30 हुई 30 का 40 हुआ 40 इज़ इनफ 50 विल बी इनफ 60 विल बी इनफ 70 इनफ नथिंग विल बी इनफ शी टोल्ड मी दैट नो मैटर वॉट योर सैलरी इज यू विल ऑलवेज हैव टू वर्क हार्ड Exactly. Working hard is the core of life. She said, look at me. Do you think I take rest? I can't take a rest. If you think I don't wake up one day, will you be able to have breakfast in the morning and go to school? Kabar, full day is gone. I said, you're right, mom. And then I said, but mom, like if I get a better job, I said, that day I was very frustrated. I love my job, by the way. But you know, there are some days where you're just frustrated exactly. and
lot of things, yeah, lot of things in your head, not just a job, everything else. So she said, you think if you had a better job, you would be happier? You would still have to work, you would still come back home like this and still be frustrated. She said, life, as you pointed out, is all about hard work. Okay, there are some times where you have to work smart. That is a topic for another day. That is a different. But life is all about working. She said, we never stop working till the day we die. You know, people show you a dream. Yeah. Wo tumko bolte, nahi, at this age, I want to retire and no worries for the rest of your life. No. There is no retirement in life. You keep working, you keep having problems. There are diseases that plague you as you grow older. There are money problems. Even if you have a lot of money, there are other problems. It getting robbed. Exactly. You could get robbed of all that money. Somebody could throw something on your car or bike, which is a posh bike. And the main point of all of this is that if we don't have problems, life would not be interesting. Exactly. You would give up. Yin yang? Yin and yang. Exactly. It's a balance. Every time you get something that makes you happy, the universe, right? The cosmic universe, it sends something at you that will make you sad to balance it out. Exactly. So that your ego does not swell. Because the moment tumhara ego badhta hai, the moment you feel you're the king, life will come slap and you, bro. Boom, yeah, kick gone. You not and throw you slap. Down so that you may climb back up. And the whole... Climb back wiser. And the whole point is in climbing back up, because that is what keeps life interesting. Otherwise, what's the point of anything? Exactly. We could just sit here, khatam, the life. Just over. Imagine with this example, okay? पानी कौन सा अच्छा लगता है तालाब का कि वाटरफॉल थामले उसका कीड़े पड़ता यस एग्जैक्टली हंगा कीड़े ना बिकॉज दिस इज फ्लोइंग वाटर गेट दैट लाइफ अगर लाइफ में फ्लो रहेगा प्रॉब्लम्स आएंगी अच्छी बात है खुशी आएंगी डोंट गेट यू नो कैरिड अवे विद दैट हैप्पीनेस इट इज देयर एंजॉय इट एवरी बिट ऑफ इट सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दैट एनीथिंग बट ऑन द सेम टाइम डोंट लेट इट हिट योर ब्रेन एंड फील लाइक यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड सोच अपने को मानना अच्छी बात है बट गेटिंग इट ऑन योर हेड इज अ वेरी बैड थिंग कीप दैट इन माइंड एंड ऑल्सो दुख आएंगे सैडनेस विल बी देयर बट नो दैट इट इज लाइक अ सनसेट ब्रो इट एंड्स हैप्पीनेस एंड्स सैडनेस इट विल एंड दैट इज हाउ लाइफ इज मेंट टू बी ओके बिकॉज देर आर पॉजिटिव एंड देर आर नेगेटिव पॉजिटिव कभी अट्रैक्ट नहीं होते पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते एंड दैट इज अबाउट लाइफ बहुत लाइफ ब्रो ये व्लॉगर तुम लोग का क्या लाइफ की बातें कर रहे हैं यार पूरी मेरी जिंदगी उलझी पड़ी और मैं लाइफ की बातें कर रहा हूँ वाह